हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मलपेज जोशी। पर फिर आज आपके बीच में एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ, और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे चंद्र पर्वत पर बनने वाले 5 शुभचिन्ह। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि चंद्र का पर्वत होता है हमारा, ये जो हमारा पर्वत होता है ये पूरा होता है मून का, यानी चंद्रमा का। तो मून क्या रिप्रेजेंट करता है? मून ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, शुक्र और ये जो चंद्रमा है ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों सुंदरता के कारक है। अगर आपका चंद्र उठा हुआ है तो आपके अंदर ब्यूटी अच्छी होगी, पर आप बहुत ज़्यादा सोचते ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा इमेजिन करते होंगे चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा ही सोचने लगते होंगे, डीपली एनालिसिस करने वाले होंगे हर एक चीज़ को। और कभी कभी आपका जो माइंड होगा अस्थिर होगा, अस्थिर यानी एक जगह टिका नहीं रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ ख्याल आते रहेंगे आपके मन में। ठीक है, आप शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए दोस्तों। तो 5 चिन्हों के बारे में बताऊंगा जो बहुत शुभ भी होते हैं, पर उसके थोड़ा थोड़ा एक दो चिन्ह ऐसे भी होंगे जो नेगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले बता दूं आपको, शुभ से ही चालू करना चाहूँगा, फिश का साइन। अगर आपने यहाँ पर मून पर पाया फिश का साइन, तो एक बहुत अच्छा सूचक है। ये रिप्रेजेंट करता है बुद्धि को, अगर ये वो भी मून तो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर जब चंद्रमा पर ये फिश का साइन बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति का माइंड बहुत ब्रिलियंट होता है, स्टडी में बहुत ब्रिलियंट होता है। और अगर उसके साथ साथ मस्तिष्क रेखा भी स्ट्रांग है, कोई दोष युक्त, मतलब उसमें कोई भी ऐसा नेगेटिव चिन्ह नहीं है मस्तिष्क रेखा में, तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, चीज़ों को समझने वाला होगा, समझ शक्ति बहुत अच्छी होगी, और बहुत ज़्यादा ही विदेश यात्रा करेगा जीवन में अगर मून पर फिश का साइन बनता है। स्टार, ठीक है, ये स्टार का जो चिन्ह है ये पॉजिटिव भी है थोड़ा, इसका नेगेटिव भी मैं बता दूँ। देखिए, स्टार यहाँ पर ब्रिलियंट बना देते व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा ही अच्छा माइंड दे देता है, बट अगर यहाँ पर उसकी मस्तिष्क रेखा में कुछ दोष युक्त हो, तो ऐसे व्यक्ति पागल भी हो जाते हैं, कई हद तक देखे गए हैं कि बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, पागल भी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये स्टार यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता वैसे, ठीक है, कुछ रोग भी दे देता अगर आपकी रोग रेखा, मतलब स्वास्थ्य की रेखा बिगड़ी हुई हो तो। और यहाँ पर क्रॉस तो मैं बता चुका हूँ कि अच्छा नहीं माना जाता आत्मा, वो भी चंद्रमा पर बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को पानी से बहुत भय रहता है, कि उसको पानी से मतलब बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, एक कुल मिला के बोलूँ, पानी के आसपास जाने से भी वो डरता है। पर जैसे मतलब ऐसा कोई पानी में गहरे पानी जो होते हैं उसमें जाने से बहुत डरेगा, ये भय होता है, कुछ ना कुछ भय लगा होता है, और अस्थिर मस्तिष्क होता है ऐसे व्यक्ति का। ठीक है, और आपके हाथ में पैसा नहीं रुकता, इसका कारक भी ये होता है कि अगर यहाँ पर चंद्रमा पर आपने एक्सपायर, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में ज़्यादा पैसा नहीं टिकता, वो आपकी मनी रेखा पे भी डिपेंड होता है। जो चौथा चिन्ह है दोस्तों वो है हमारा तिल। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने तिल पाया तो ये बहुत बेकार है दोस्तों, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। देखा गया कि ऐसे व्यक्ति में कुछ ना कुछ बुद्धि में कमी हो जाती है, अगर मस्तिष्क रेखा भी थोड़ी कमज़ोर हो तो कहीं ना कहीं दौरे लगते हैं या अलग अलग चीज़ें होती हैं। और हाँ, ऐसे व्यक्ति को भी पानी से भय रहता है और पानी से खतरा रहता है, ये दो चिन्ह जो होते हैं पानी से खतरा रखते हैं। ठीक है, और देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कठिनाई या स्ट्रगल, संघर्ष, या हो सकता है कि विवाह भी नहीं हो, कुछ कुछ ऐसी स्थिति बना देता है, पर वो ओवरऑल हैंड पर डिपेंड करता है आपके। ठीक है दोस्तों, यह विवाह करने का मन नहीं होता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जो पाँचवा चिन्ह है दोस्तों वो है हमारा स्वास्थ्य का। अगर आपने यहाँ पर ये पाया देख, तो बहुत अच्छा निशान है दोस्तों, ये व्यक्ति को खूब विदेश से धन लाभ कराता है, विदेश यात्रा कराता है, फॉरेन में सेटल भी करा देता है अगर अच्छा हो, भाग्य रेखा अच्छी हो। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में यही था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं भी ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना।